हमेशा भारत से पंगा लेने के लिए आतुर रहने वाले पाकिस्तान की कई बार जग हंसाई हो चुकी है, लेकिन आज हम पाकिस्तान की जग हंसाई का विषय बनने जा रहे जिस केस का ट्रायल करने वाले हैं वो केस बैंकॉक की अदालत में चल रहा है और इस केस का मुख्य किरदार है बैंकॉक की जेल में बंद कैदी नंबर 8, जिसे लेकर पिछले 2 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच बैंकॉक की अदालत में कानूनी जंग चल रही है। सबसे पहले हम बैंकॉक जेल के कैदी नंबर 8 से आपकी जान पहचान करवा देते हैं। बैंकॉक की जेल में बंद कैदी नंबर 8 दाऊद और छोटा शकील का शार्प शूटर मुदस्सर हुसैन उर्फ मुन्ना जिंगाड़ा है, जिसने छोटा शकील के कहने पर साल 2000 में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन पर बैंकॉक में नाकाम जानलेवा हमला किया था। दाऊद का शार्प शूटर मुदस्सर हुसैन उर्फ मुन्ना पिछले 18 सालों से बैंकॉक की जेल में बंद है। छोटा राजन के प्रत्यर्पण के बाद करीब 2 साल पहले भारत ने बैंकॉक की अदालत में उसके प्रत्यर्पण की अर्जी डाली थी। भारत ने बैंकॉक की अदालत में दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि शार्प शूटर मुदस्सर हुसैन भारत का नागरिक है, लेकिन पाकिस्तान ने मोहम्मद सलीम के नाम का पासपोर्ट बैंकॉक की अदालत में पेश करके मुदस्सर हुसैन को पाकिस्तान का नागरिक बता दिया। आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया और पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए भारत ने बैंकॉक की अदालत में कौन से सबूत रखे, इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज तक के पास हैं, जिनके आधार पर अब हम भारत पाकिस्तान के बीच बैंकॉक की अदालत में जारी कानूनी जंग का फास्ट ट्रैक ट्रायल कर रहे हैं। सितंबर 2000 यानी आज से 18 साल पहले बैंकॉक, छोटा राजन पर हमला होता है, लेकिन इस हमले में राजन बच जाता है। छोटा राजन पर गोलियां चलाने वाला शार्प शूटर गिरफ्तार कर लिया जाता है। बैंकॉक पुलिस की गिरफ्त में छोटा राजन पर गोलियां चलाने वाला शार्प शूटर आज तक के कैमरे पर अपना गुनाह कबूल करता है। भेजा किसने था? शकील बॉस। कितना पैसा मिला था? पैसे का थोड़ी ना सौदा है, तो दुश्मनी है। किस चीज की? हमारी और उसकी दो गैंग की दुश्मनी है। फिर मारेंगे, बेफिक्र रहो, और 2 महीने के अंदर मारेंगे इसको। आप सोच रहे होंगे कि हम 18 साल पुराने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है कि छोटा राजन को 18 साल पहले किसने मारने की कोशिश की, क्यों मारने की कोशिश की? तो आपको बता दें कि बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है ये जानने के लिए सबसे पहले आप इस शख्स की पूरी पहचान जान लीजिए। नाम मुदस्सर हुसैन उर्फ मुन्ना झिंगाड़ा, पता मुंबई भारत, मौजूदा पता बैंकॉक जेल, पहचान कैदी नंबर 8। बैंकॉक की जेल में बंद कैदी नंबर 8 मुदस्सर हुसैन उर्फ मुन्ना झिंगाड़ा को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बैंकॉक की अदालत में जंग छिड़ी हुई। एक तरफ हिंदुस्तान मुदस्सर हुसैन सैयद उर्फ मुन्ना झिंगाड़ा को अपना नागरिक बता रहा है, तो दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क उसे मोहम्मद सलीम बताते हुए पाकिस्तानी नागरिक होने का दावा कर रहा है। तो आखिर ऐसा क्या है बैंकॉक की जेल में बंद कैदी नंबर 8 में, जिसके लिए दो देशों के बीच जंग छिड़ गई है? अब एक बार फिर मुन्ना झिंगाड़ा के उस कबूलनामे को ध्यान से सुनिए जिसमें वो अपनी पहचान बता रहा है। फिर मारेंगे इसको, बोलना किसको? राजन को फिर मारेंगे। हम कहां से आए थे मारने के लिए? हम लोग देखो और पहचानो, पाकिस्तान। किसने भेजा, किसने था? शकील बॉस। दाऊद और शकील का बेहद करीबी मुन्ना झिंगाड़ा मुंबई में 70 से ज्यादा मामलों में वांटेड है, फिर भी यह खुद को पाकिस्तानी बता रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 18 साल से बैंकॉक की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद मुन्ना जिस पल ये मान लेगा कि वो हिंदुस्तानी है, उसी पल दाऊद के पाकिस्तान में होने का एक और सबूत मिलेगा। आईएसआई के साथ उसकी साठगांठ की पोल खुल जाएगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान तमाम कोशिशें कर रहा है कि मुन्ना झिंगाड़ा किसी भी तरह से भारत के हाथ ना लगे। मुंबई पुलिस अभी तक मुन्ना झिंगाड़े के कानूनी दस्तावेज, फिंगरप्रिंट्स और परिवार से मिलते हुए डीएनए सैंपल्स बैंकॉक पुलिस को सबमिट कर चुका है, लेकिन हर बार पाकिस्तान झूठे दस्तावेज पेश करता है और उसका विरोध करता है।
मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो पाकिस्तान इसका विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि मुन्ना झिंगाड़ा अगर मुंबई वापस लाया जाता है तो टेररिस्ट गैंगस्टर और पाकिस्तान ऑफिशियल्स का जो कनेक्शन है वो बाहर आ जाएगा। पाकिस्तान मुन्ना झिंगाड़ा को पाकिस्तानी साबित करने के लिए बैंकॉक की अदालत में एक के बाद एक झूठ और फर्जी सबूत पेश कर रहा है। मसलन मुदस्सर हुसैन दरअसल मोहम्मद सलीम है जो पाकिस्तान का नागरिक है। मोहम्मद सलीम के पास एक पाकिस्तानी पासपोर्ट है और बैंकॉक का वीजा भी लगा है। बैंकॉक की अदालत में मुदस्सर का निकाहनामा भी पेश किया गया। मुदस्सर की शादी पाकिस्तान में हुई और उसकी बीवी पाकिस्तानी है। मुदस्सर के बच्चे भी हैं, जिसका सर्टिफिकेट भी अदालत में पेश किया गया। मुदस्सर के पिता की मौत हो चुकी है, जिसका डेथ सर्टिफिकेट भी दाखिल किया गया। लेकिन पाकिस्तान के झूठ की कलई खोलने में मुंबई पुलिस ने बैंकॉक की अदालत में जो गवाह और सबूत पेश किए उसने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। भारत ने बैंकॉक की अदालत में मुदस्सर हुसैन के पूरे परिवार को ही अदालत में खड़ा कर दिया। भारत ने बैंकॉक की अदालत में शार्प शूटर मुदस्सर के पूरे परिवार का डीएनए जमा करवा दिया। साथ ही भारत ने छोटा राजन की गवाही भी बैंकॉक की अदालत में पेश कर दी। इसके अलावा मुंबई में उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड के तमाम मामले और एफआईआर की कॉपी भी पेश की। जब पाकिस्तान को यह लगा कि दाऊद के शार्प शूटर मुदस्सर को भारत के हाथों में जाने से बचाने में उसकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, तो उसने चीन के जरिए थाईलैंड सरकार और बैंकॉक पुलिस पर अपना दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी। मगर मुंबई पुलिस और केंद्र सरकार अपने स्तर पर पाकिस्तान के इस गेम प्लान को फेल करने में जुटी हुई है। साल 2016 में पीएम मोदी के बैंकॉक दौरे के बाद भारतीय जांच एजेंसियों ने मुदस्सर हुसैन को भारत लाने की कोशिशें तेज कर दी। इस खबर की भनक लगते ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम दोनों एक्टिव हो गए। एक्टिव होना लाजमी है क्योंकि नापाक साजिशों के खुलासे का डर जो है, लिहाजा बैंकॉक में वकीलों की भारी भरकम फौज भेज दी गई। एक तरफ भारत मुदस्सर हुसैन उर्फ मुन्ना झिंगाड़ा को अपना नागरिक बता रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान उसे अपना नागरिक साबित करने के लिए जी जान लड़ा रहा है। लेकिन एक बात जो अब तक साबित हुई है वो ये कि मुन्ना झिंगाड़ा इंटरनेशनल आतंकवादी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का शार्प शूटर है। मुंबई पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई के जोगेश्वरी इलाके का रहने वाला मुदस्सर हुसैन मुंबई में 70 से भी अधिक आपराधिक मुकदमे झेल रहा है। साल 1997 में मुदस्सर हुसैन को दाऊद इब्राहिम ने नेपाल के रास्ते पाकिस्तान बुलवा लिया था। मुदस्सर हुसैन कराची में दाऊद के काले धंधों को संभालता था। साल 2000 में दाऊद ने मुदस्सर हुसैन को छोटा राजन को मारने का टास्क दिया। साल 2000 में ही मुदस्सर हुसैन फर्जी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर मोहम्मद सलीम के नाम से बैंकॉक पहुंचा था। बैंकॉक में छोटा राजन पर नाकाम हमला करने के बाद बैंकॉक पुलिस ने मुदस्सर हुसैन को गिरफ्तार किया था। भारतीय एजेंसियां किसी भी हाल में मुदस्सर हुसैन को भारतीय नागरिक साबित करके थाईलैंड से उसका प्रत्यर्पण करवाना चाहती हैं ताकि दाऊद और पाकिस्तान की सांठगांठ का पूरी दुनिया के सामने भंडाफोड़ किया जा सके। जाहिर है पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए वो मुदस्सर हुसैन को अपना नागरिक साबित करने के लिए बैंकॉक की अदालत में फर्जी सबूतों की झड़ी लगाए हुए। साल 2000 के बाद मुन्ना झिंगाड़ा की ये पहली तस्वीर सामने आई जो मुन्ना के बदले रूप के साथ साथ पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए काफी। अपनी आजादी के साथ साथ अपने बालों को भी गंवा चुके दाऊद के मुन्ना के बगल में काले कोट और पैंट में जो शख्स दिख रहा है, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का मेजर है जो मौजूदा वक्त में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी में बतौर सेकेंड सेक्रेटरी काम कर रहा है। नाम है कामरान थांगर। मुन्ना के साथ मेजर कामरान की ये तस्वीर अप्रैल के महीने में उस वक्त खींची गई जब इस मामले की सुनवाई होनी थी। पाकिस्तान की बेचैनी इस तस्वीर में साफ नजर आ रही है। बताया जाता है कि बैंकॉक में पकड़े जाने के बाद मुन्ना के तमाम फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने की जिम्मेदारी एक और आईएसआई अधिकारी शाहिद पर थी जो बैंकॉक में ही मौजूद बताया जाता है। मुदस्सर हुसैन उर्फ मुन्ना झिंगाड़ा को अपना नागरिक साबित करने के चक्कर में पाकिस्तान ने सारी हदें पार कर दी। पहले उसका फर्जी नाम बताया, उसके बाद फर्जी पासपोर्ट दिखाया और तो और उसका निकाहनामा भी अदालत में पेश कर दिया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसके पिता को ही मुर्दा साबित कर दिया गया जबकि वो हिंदुस्तान में जिंदा है।
आपको बता दें मुंबई धमाकों से पहले तक गहरे दोस्त रहे छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की राहें इन धमाकों के बाद न सिर्फ जुदा हो गईं, बल्कि दोनों एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए। और दाऊद ने फैसला किया कि इससे पहले कि राजन उसके लिए बड़ा खतरा बन जाए उसे रास्ते से हटा दिया जाए। लिहाजा सितंबर 2000 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के पॉश इलाके में छिपे छोटा राजन को दाऊद के गुर्गों ने ढूंढ निकाला और शूटर मुन्ना झिंगाड़ा की अगुवाई में शूटरों ने राजन के घर पर धावा बोल दिया, जिसमें रोहित मारा गया जबकि राजन बाल बाल बच गया। मगर दाऊद के गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिसमें शार्प शूटर मुदस्सर उर्फ मुन्ना भी शामिल था। कितना पैसा मिला था? पैसे का थोड़ी ना सौदा है, तो दुश्मनी है। किस चीज की? हमारी और उसकी, दो गेम की दुश्मनी है। फिर मारेंगे, बेफिक्र रहो, और दो महीने के अंदर मारेंगे इसको। शार्प शूटर मुदस्सर उर्फ मुन्ना ने गिरफ्तारी के वक्त खुद को पाकिस्तानी नागरिक बताया था और पाकिस्तान ने उसका केस लड़ने के लिए एक पाकिस्तानी वकील को हायर किया था। मैं इन दोनों का वकील हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ। घायल होने की वजह से राजन भारतीय एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया और भारत ने उसका प्रत्यर्पण करवा लिया, मगर इतने सालों की कोशिश के बाद भी मुन्ना भारतीय एजेंसियों के हाथ नहीं लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी पोल खुलने की वजह से उसे अपना नागरिक बता रहा है। लेकिन अब बैंकॉक की कोर्ट में मुदस्सर उर्फ मुन्ना के प्रत्यर्पण का केस अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। पिछले दो सालों में बैंकॉक की अदालत में तारीख पर तारीख और हर तारीख पर झूठ बहरहाल बैंकॉक की अदालत में मुदस्सर हुसैन उर्फ मुन्ना झिंगाड़ा पर आखिरी बहस चल रही है और फैसला चंद महीनों में आने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि एक बार फिर पाकिस्तान का नापाक चेहरा बेनकाब होगा और मुन्ना झिंगाड़ा भारत लाया जा सकता है।